देखिए हम मौजूद हैं उन गरीबों के बीच जिनके खोके आज जब्त कर लिए गए, जिनका सामान जब्त कर लिया गया और तमाम ये कार्ड लेकर बैठे हुए हैं पथ पर काम करने का स्ट्रीट वेंडर हैं। कुछ को प्रधानमंत्री योजना के तहत 10-10 हज़ार के लिए आवेदन भी किया है लेकिन पैसा तो नहीं मिला। ऊपर से जो कारोबार पहले से कर रहे थे वो भी इनके खोके जब्त कर लिए गए, वो भी इनसे रोज़गार छीन लिया गया है। यानी अब इनके पास परिवार को गुजर बसर कराने के लिए कोई साधन नहीं बचा है। बरेली के नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने कार्रवाई की है, इनके खोके जब्त कर लिए गए हैं, नगर निगम में मारे मारे घूम रहे हैं। आइए सुनते हैं इन सब की बात और देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। यही निवेदन है आपसे, जो भी ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। गाड़ी वाले रहेंगे, ये वाला संविधान देखिए सर, कराइए इसकी। देखिए कार वाले रहेंगे, कोठी वाले रहेंगे, बंगले वाले रहेंगे, पूंजीपति रहेंगे और गरीब इतने हताश हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि उनके लिए गड्ढा खुदवा दिया जाए या बच्चे सहित वो समाहित होने को तैयार हैं। इस तरीके की मायूसी आज बरेली के अंदर गरीबों के अंदर है, जो बड़े उम्मीदों से कार्ड बनवा के और बेखौफ होकर अपना गुजारा बसारा कर रहे थे और स्ट्रीट पर बैठ के काम कर रहे थे, अब इनके गुजर बसर का कोई साधन नहीं है। गड्ढा करने की तैयारी करो, हम लोग सब उसी में जितने भी ठेले वेले वाले हैं उसी में दबा के अपने आराम से रहो। कोई बताओ क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? राजू देवी। राजू देवी क्या कहना चाहोगी? मैं विधवा हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, ठेला लगा रहे हैं, खाने पीने का वो भी हटा लिया, वो सब भर रहा है सामान सट्टा, यहाँ चक्कर मार रहे हैं, ऊपर जाओ नीचे जाओ, बताए हम क्या करें। एक छोटी सी बात के लिए अधिकारी के पास जाने के लिए भी मतलब जो है कि लोग बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री से बात करो, यहाँ अधिकारी से बात करने के लिए मतलब इतनी दिक्कत उठानी पड़ रही है कि कोई कहता है इधर जाइए, कोई कहता है इधर जाइए। क्या नाम है? ऊपर से प्रेमनाथ सर, एक घंटे से गुमराह करो। प्रेमनाथ कह रहे हैं प्रधानमंत्री मिलने को तैयार रहते हैं लेकिन स्थानीय अधिकारी नहीं मिले। छोटी सी बात मैं भी कहना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। बोलो सर, एक काम कीजिए योगी जी, एक काम करिए आप, बहुत बड़ा सा एक गड्ढा करवाइए जिसमें भी जितने गरीब रिक्शे वाले हैं, ठेले वाले हैं और ये जितने भी मतलब मजदूरी वजदूरी वाले हैं, इनको सारे गड्ढे में इनको दबा दो, ऊपर से इन पर मिट्टी पड़वा दो, बच्चों समेत सारे पे इन पर मिट्टी पड़वा दो। आपकी कारें खड़ी होंगी, जब गरीब होगा ही नहीं, आपकी कारें बढ़िया करके खड़ी हो जाएंगी। हम लोग को सारों को गड्ढा करके एक बहुत बड़ा गड्ढा करवा दो आप। गड्ढा करवाने के बाद में उस पर सब हमारे बच्चों बच्चों को सबको उसमें दबा दो, फिर आप आराम से अपनी कारें खड़ी करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। देखिए स्ट्रीट वेंडर हैं जो बरेली के प्रभा सिनेमा के पास खान पान की चीज़ें भविष्य निधि कार्यालय के पास बेचते थे, आज नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इनका सामान जब्त कर लिया है, खोके जब्त कर लिए हैं, अब इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अपने कार्ड भी दिखा रहे हैं जो मैं आपको बहुत जूम करके करीब से भी दिखा रहा हूँ, हर एक के कार्ड। हमारा सारा सामान भी फेंक दिया गया है जो बना हुआ है। और सर ये 10,000 रुपये आपने गरीबों के लिए ठेले पे जो दिए थे वो अभी तक आज तक नहीं मिले हम लोगों के लिए, इसके भी चक्कर काटते काटते दुखी हो गए। देखिए दूसरा कार्ड भी दिखा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि बाकायदा इनके लिए पथ पर्ची मिली है। पीले रंग के कार्ड मैं दिखा रहा हूँ लाइन से, ऐसे तमाम कार्ड धारक हैं जिनके पास अपने कार्ड हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो? सर प्रधानमंत्री आवास योजना के अभी तक अभी समस्या सॉल्व नहीं हुआ है, मैं आज 4 महीना से दौड़ते चक्कर ऑफिस काट रहे हैं और कोई समस्या अभी तक लटकी हुई है। क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्ड समेत तमाम गरीब और बरेली में फड़ वाले परेशान हैं कि आखिर इनके परिवार कहाँ जाएं, कहाँ रोजी रोटी का बंदोबस्त होगा। मायूस हैं, चेहरे पर चेहरे लटके हुए हैं, गमजदा हैं कि इनका सामान भी जब्त कर लिया गया है। जयप्रकाश जी सर, जहाँ एक और माननीय प्रदेश सरकार महंत जी 10,000 रुपये का लोन दे रहे हैं हम गरीबों के लिए, जो ठेला फाड़ रोजी रोटी का जो वैश्विक संकट का समय गुजरा है, जो खाने के लिए परेशानी थी कि कमाने के लिए पैसे नहीं थे, रोजगार में लगाने के लिए 10,000 रुपये का लोन मिल रहा है, नगर निगम के अंदर कैंप भी लगा हुआ है, लेकिन वहीं प्रदेश सरकार तो अच्छी योजना चला रही है, नगर निगम प्रशासन गरीबों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, रसूखदारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, चाहे वो इंदिरा नगर की मार्केट हो, चाहे वो कहीं अतिक्रमण हटाओ के नाम पर। जयप्रकाश का भी कहना है, आरोप है
कि दोरा व्यवहार नगर निगम कार्रवाई के नाम पर कर रहा है। गरीबों के लिए फार्मूला और है, रसूखदार पूंजीपतियों के लिए और है, उनके लिए पूरी तरीके से छूट दे दी गई है नाले को अपने हिसाब से दिशा मोड़ने की, कब्जा करने की और तमाम तरीके के आरोप जयप्रकाश राजपूत ने लगाए। जाटापुरा वार्ड नंबर 2 आता है, 2 नंबर के जाटापुरा के नाले पे नरकुलागंज पे चेक कीजिए, 10 फीट का नाला है। सिकलापुर में आते आते 1.5 फीट का नाला ले जाता है। ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है ये तो स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं आप। देखिए नाले योग से मौजूद है आज जयप्रकाश राजपूत, समाज सेवी है, गरीबों के लिए लंबे अरसे से लड़ाई लड़ते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी गरीबों की बात आला अधिकारियों तक प्रधानमंत्री तक पहुंचाते रहे हैं। जयप्रकाश जी, कुछ गरीब आपके पीठ के पीछे खड़े, क्या कहना चाहेंगे? सर, सरकार तो एक नेक काम कर रही है और माननीय योगी जी ने एक नज़ीर पीस की है उत्तर प्रदेश के अंदर, और बरेली के अंदर तो विकास प्राधिकरण के अधिकारी जो IAS ऑफिसर हैं भू माफिया पोर्टल पर जाएंगे, बरेली को बंद नंबर का दर्जा दिया है। जहाँ एक और ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, वहीं नगर निगम प्रशासन गरीबों और अमीरी में भेदभाव कर रही है, चाहे वो कोई कहानी हो। हाल में ही ब्रिटिश हुकूमत शासनकाल का नाला हो जिसपे शासन से लेकर प्रशासन तक कार्रवाई के लिए लेटर लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। गरीबों के जिनके पंजीकृत ये नंबर हैं उनके जो एकमात्र रोजी रोटी का जरिया है, अब वो अपना घर का पालन पोषण कहाँ करेंगे, कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे और कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे, जबकि ये वैश्विक संकट का समय गुजर चुका है। इन गरीबों के पक्ष में क्या कुछ मदद करेंगे आप? हम तो यही कहेंगे अगर कार्रवाई करनी है तो एक तरफा निरपेक्ष कार्रवाई की जाए, रसदारों को और अमीरों को क्यों छोड़ा जा रहा है। जीता जागता उदाहरण आपका ये बरेली कॉलेज है, बरेली कॉलेज के सामने कुछ भू माफियाओं की दुकानें हैं जिन पर आज तक कोई शिकंजा नहीं कसा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये एक रूल है 7 अक्टूबर 2009 का कि नाले पे किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, लेकिन नगर निगम के 2 मीटर की दूरी पे जो मुश्किल से 10 मीटर 10 कदम की दूरी है वहीं भू माफियाओं का कब्जा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो 2 पैसे कमा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। क्या कहा जा रहा है? जुर्माना भरना पड़ेगा तुम पे, तब जाएगा यहाँ से जुर्माना दे, जुर्माना का दे सब सारी सब्जी हमारी बिक गई, सौदा बिक गई और कौंटर यहाँ का दुकान है तो हम कहाँ से जुर्माना दें? चोरी करो नहीं खेले हैं, जिन पर कब्जा किया गया, जिन पर कार्रवाई की गई और अपने अपने ठेले फड़ के सामने खड़े हैं वो गरीब, जिनके हाथों में कार्ड हैं और जो दिखा रहे हैं कि उनके लिए स्ट्रीट वेंडर का लाइसेंस बकायदा मिला हुआ है। देखते रहिए मेरे कैमरे की नज़र से नगर निगम गेट के सामने गरीबों की कार्रवाई।